मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो उस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप में नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो फिंगर्स की लंबाई काफी अच्छी है, सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है, और सूर्य फिंगर और इनकी मर्करी फिंगर, यह मर्करी फिंगर होती है और यह वाली जो फिंगर्स को सूर्य फिंगर कहते हैं, इन दोनों फिंगर्स में काफी अच्छा गैप आपको नजर आ रहा होगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में जो दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं और खुले ख्यालों के होते हैं और अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। ऐसे नेटिव अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते समय किसी की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होता है, और इस तरह की नेचर होने की वजह से ऐसे व्यक्ति डिसीजन लेने में काफी सक्षम रहते हैं और लाइफ में काफी अच्छी कामयाबी तक पहुंच पाते हैं। और अगर हम बात करते हैं इनकी फिंगर्स की लंबाई की, तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो सूर्य फिंगर है काफी अच्छी लेंथ में है। अगर हम इस फिंगर की लेंथ को कंपेयर करें इंडेक्स फिंगर के साथ, इंडेक्स फिंगर यानी कि गुरु की जो उंगलियां थोड़ी शॉर्ट नजर आ रही है, सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को एडवेंचरस एंड रिस्क टेकर बनाता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार जल्दबाजी में भी डिसीजन ले बैठते हैं और जिसकी वजह से बाद में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और यह फिंगर अच्छी लेंथ में हो तो ऐसे व्यक्ति के भीतर आर्टिस्टिक क्वालिटीज काफी अच्छी होती हैं, काफी अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसे व्यक्ति कामयाब हो जाते हैं, इनकी यह सूर्य फिंगर यानी कि जो हमारे रिंग फिंगर है अच्छी लेंथ में हो। और अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी ऐसे व्यक्ति के भीतर रिस्क लेने का रुझान रहता है, जैसे अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी हों, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऐसी चीजों में रुचि ऐसे व्यक्ति की अधिक रह सकती है। और अगर हम बात करें इनकी मर्करी फिंगर की, तो मर्करी फिंगर यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट लंबाई में अच्छी है, थोड़ा सा गैप शो करे जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन इनका स्ट्रांग रहेगा, और इस तरह की मर्करी फिंगर होने से कम्युनिकेशन स्किल्स भी नेटिव के काफी अच्छे रहते हैं। बात करते हैं इनकी सूर्य फिंगर की और गुरु फिंगर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो शनि फिंगर है, शनि फिंगर की मैं बात करना चाहूंगा सबसे पहले। शनि फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट, हल्का सा झुकाव जो अपर फैलेंज है उसमें नजर आ रहा है, लेकिन यह फिंगर अच्छी थिकनेस में नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव काफी हार्डवर्किंग रहते हैं, मेहनती रहते हैं और लाइफ में डिसिप्लिन भी फॉलो करते हैं। इस तरह की क्वालिटीज होने की वजह से प्रोग्रेस में काफी हेल्प मिलती है, ऐसे व्यक्ति काफी अच्छी प्रोग्रेस लाइफ में कर पाते हैं। और गुरु फिंगर की अगर हम बात करें तो मीडियम लेंथ में है गुरु फिंगर, जिस वजह से कई बार ऐसे व्यक्ति को प्रवास भी करना पड़ता है, फैमिली की तरफ से मिलने वाले सुखों में थोड़ी कमी आ जाती है। जब बृहस्पति माउंट वीक हो या बृहस्पति फिंगर शॉर्ट हो, व्यक्ति को अपने प्लेस से, अपनी बर्थ प्लेस या नेटिव प्लेस से दूर जाकर भी रहना पड़ सकता है। कई बार तो ऐसे व्यक्ति अपनी स्टडीज के सिलसिले में या कई बार अपनी जॉब के सिलसिले में घर से दूर रह सकते हैं, विदेश जाने के चांसेस भी ऐसे व्यक्ति की लाइफ में अधिक रहते हैं। और यहाँ पर ओवरऑल अगर हम फिंगर की स्ट्रेंथ को देखें तो थिकनेस में अच्छी है गुरु फिंगर, स्ट्रेट है, जिसकी वजह से नॉलेज काफी अच्छी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी काफी अच्छी रहेगी। उसके साथ आगे देखते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर बनने वाले जो चिन्ह हैं, यहाँ पर इनकी फिंगर्स पर बहुत ही बारीक सीधी खड़ी रेखाएं नजर आ रही हैं। ऐसी रेखाओं के होने से नेटिव मिलनसार स्वभाव का होता है, ऐसी रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी रेखाएं अगर अधिक हों तो ऐसा व्यक्ति काफी मिलनसार होता है, तो यहाँ पर इस तरह की पर्सनैलिटी रहने की संभावनाएं। आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें कोई भी माउंट ज्यादा लो सेट नहीं है, सबसे हाई सेट माउंट इनका यह सूर्य माउंट, उसके बाद शनि माउंट की बारी आती है, और
इनके जो मर्करी माउंट है यह वाला बहुत ज्यादा लो सेट नहीं है और यह माउंट हल्का सा लो सेट है अगर हम कंपैरेटिवली देखें बाकी माउंट्स के, लेकिन स्पेस सभी माउंट्स को अच्छी मिल पा रही जिस वजह से सभी प्लैनेट्स की क्वालिटीज इनके भीतर अच्छी रहेंगी। बात करते हैं गुरु माउंट से शुरू करते हैं, यह गुरु माउंट का एरिया होता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तो नेटिव के भीतर स्पिरिचुअलिटी ज्यादा रहती है, यहां पर यह माउंट एवरेज है, बहुत ज्यादा उठा हुआ इस माउंट को हम नहीं कहेंगे, लेकिन इस माउंट के ऊपर एक रेखा पहुंच रही है नीचे से, आप यहां से देखोगे आपको एक लाइफलाइन से रेखा निकल कर यहां तक पहुंचती नजर आएगी। इस तरह की रेखा को प्रोग्रेस लाइन का नाम दिया जाता है दोस्तों। अगर ऐसी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में मौजूद हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रोग्रेस बहुत अच्छी करता है, खूब प्रोग्रेस रहती है लाइफ में। और बृहस्पति माउंट के साथ प्रोग्रेस लाइन का कनेक्शन होने की वजह से नेचर भी व्यक्ति की अच्छी होती है। और दूसरी चीज यहाँ पर बहुत अच्छी नजर आ रही है इनके हाथ में, वो है यह जो अंगूठे के ऊपर इनके यव का साइन बन रहा है, इस तरह का जो आंख जैसा चिन्ह है जिसको हम बुद्धाजाई का नाम भी देते हैं, ऐसा चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ पे बन रहा हो तो ऐसे व्यक्ति की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, सिक्स सेंस जिसको हम कहते हैं, बहुत अच्छी सिक्स सेंस ऐसे व्यक्ति की होती है, आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को होता है, स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी रहती है। और ऐसे व्यक्ति खुद के साथ या अपने किसी खास मित्र या रिश्तेदार के साथ अगर कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला उसके बारे में पहले से ही जान लेते हैं, यानी कि इनको पूर्वाभास हो जाता है, इस तरह की चांसेस लाइफ में रहेंगे। अब बात करते हैं कि शनि की, शनि माउंट जो है यहां पर हल्का सा दब रहा है, बिल्कुल उठा हुआ शनि माउंट नहीं कहेंगे, हल्का सा दबता हुआ फ्लैट सा शनि माउंट है और शनि रेखा अच्छी है। माउंट का वीक होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी स्ट्रगल लाइफ में हो सकती है। और अगर हम बात करें इस रेखा की, यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरह से इनके हाथ में एक रेखा जो यहां से सपोर्ट गेन करती हुई यहां से दो रेखाओं के रूप में यहां तक बिल्कुल क्लियर, और आगे अगर हम 36 की एज के बाद देखें इस रेखा को तो यहां से ये रेखा डबल हो रही है। तो इस तरह की भाग्य रेखा जिसमें दो तीन चीजें आ रही हैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो स्पोर्ट लाइन आ रही है यहां से, यह जो स्पोर्ट लाइन होती है यह इंडिकेट करती है बाहरी स्पोर्ट को, जब भी यह शनि रेखा बिल्कुल स्ट्रेट चल रही होती है कोई रेखा अगर जुड़ जाए इसमें तो यह दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति का भाग्य होता है आफ्टर मैरिज होता है, आफ्टर मैरिज ऐसे व्यक्ति की जो किस्मत है वो धीरे धीरे ग्रो करनी शुरू करती है, ऐसे व्यक्ति का भाग्य उदय होना शुरू होता है। और यहां पर जो सबसे अच्छी चीज नजर आ रही है वो है शनि रेखा का डबल होना, वो भी 36 की एज के बाद, 36 की एज के बाद इनकी लाइफ में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज इनको मिलेंगी और प्रोग्रेस होगी लाइफ में। 36 की एज के बाद 58 से या 60 तक की एज को हम कहेंगे काफी अच्छी एज प्रोग्रेस के मामले में रहेगी। और एक चीज और देखने वाली है, यहां तक यह रेखा पहुंच रही है जब हार्ट लाइन के ऊपर का जो एरिया होता है ये 60 प्लस की एज का होता है, तो यह दर्शाता है कि इनकी जो तरक्की है वो लगातार जारी रहेगी और इनकम जो है वो 60 के बाद की एज में भी कंटिन्यू रहेगी। तो यहां पर इनकी भाग्य रेखा काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन यहां पर बीच में अगर आप देखोगे तो आपको एक गैप भी नजर आएगा इस एरिया में, लगभग यह 30 की एज रहेगी, 33 से लेकर 36 की, जिस एज में इन्हें काफी ज्यादा स्ट्रगल लाइफ में करनी पड़ेगी, काफी ज्यादा मेहनत लाइफ में करेंगे तभी आगे के रास्ते खुल पाएंगे। अब बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की, तो आप देख सकते हैं इनका जो सूर्य माउंट का एरिया है बिल्कुल फ्लैट, लंबी सूर्य रेखा का अभाव यहां पर, लंबी सूर्य रेखा कैसी होती है आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहां से कोई रेखा निकल कर इस माउंट तक यानी कि रिंग फिंगर के नीचे तक पहुंचे जो मैंने ब्लू कलर में ड्रॉ की है, या कई बार कुछ हाथों में यह रेखा ऐसे बिल्कुल सीधी होती है, कुछ हाथों में यहां से शुरू होकर इस माउंट तक पहुंच जाती है, और कुछ बहुत जो लकी लोग होते हैं उनके हाथ में नीचे से यह रेखा बिल्कुल थिल के बेस से शुरू होकर ऊपर तक पहुंचती है। ऐसी लंबी सूर्य रेखा अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में बहुत तरक्की करते हैं, बहुत नेम एंड फेम पाते हैं, तो यहां पर इस चीज का अभाव नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा नेम एंड फेम यंग एज में नहीं रहेगा। और अगर हम देखें यहां पर तो आपको एक चीज और नजर आएगी कि जो इनके हाथ में सूर्य रेखा है वो यहां पर आपको नजर आएगी छोटे साइज की, जो इंडिकेट करती है कि लेटर एज में चलकर यानी के 50 प्लस की एज में चलकर काफी अच्छा पहचान सोसाइटी में बन सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा फेम या यश की यहां पर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बात करते हैं इनकी जो सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे का जो माउंट है यह है। इसको कहा जाता है बुध माउंट यानी कि मरकरी,
मर्करी माउंट के ऊपर कोई भी रेखा मौजूद नहीं है, यहां पर एक छोटी सी रेखा मर्करी माउंट की तरफ बढ़ती हुई जो यहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देगी, लेकिन मर्करी माउंट उभरा हुआ है जिस वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन एज वेल एज इस तरह का माउंट होने से कैलकुलेट करने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी रहेगी, तो ये सभी चीजें इनके भीतर भरपूर रहेंगी। चलिए आगे चेक करते हैं इनकी हार्ट लाइन को। आप देख सकते हैं यह इनकी हार्ट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट टाइप की हार्ट लाइन, कुछ इस तरह से हल्की होती हुई, लेकिन यहाँ पर बृहस्पति माउंट के एरिया तक पहुंचती हुई, बृहस्पति और शनि के बिल्कुल जहां पर ये बॉर्डर रहता है माउंट का, वहां तक यह रेखा पहुंच रही है। स्ट्रेट है, इस वजह से काफी प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी रहेगी, बहुत ज्यादा इमोशंस जैसे व्यक्ति के भीतर नहीं रहते, एक प्रैक्टिकल टाइप की पर्सनैलिटी। हार्ट की लाइन में कोई भी दिक्कत नहीं है, हार्ट की लाइन गुरु माउंट को टच कर रही है, जिस वजह से ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सनैलिटी भी यहाँ पर कहना चाहूंगा। यह जो रेखा है आगे चलकर थोड़ी शैलो हो रही है, जिस वजह से बीपी जैसी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कतों का आगे चलकर सामना करना पड़ सकता है, अदरवाइज कोई मेजर इशू यहाँ पर इनकी हार्ट लाइन से नजर नहीं आ रहा। माइंड लाइन की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज देखने वाली है यह जो रेखा है इनकी लाइफ लाइन है, और यहां से ये माइंड की लाइन बिल्कुल हटकर चल रही है, दोनों रेखाओं के बीच में इस एरिया में बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है, दोनों रेखाएं अलग अलग चल रही हैं, जिस वजह से काफी इंडिपेंडेंट नेचर। और अगली चीज देखने वाली है इस रेखा का झुकाव, यहां से बिल्कुल सीधी रेखा है ये, यहां से शुरू होकर आगे चलकर मिडल एज के बाद ये नीचे की तरफ झुक रही है। यह रेखा जब नीचे का डिप लेती है तो ऐसे व्यक्ति की मिडिल एज के बाद जो थिंकिंग है पूरी तरह से बदल जाती है, ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा इमेजिनेट करना शुरू कर देते हैं, ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत हो सकती है नहीं आगे चलकर, थोड़ी सी एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी हो सकती है आगे चलकर, लेकिन बहुत ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि चंद्र माउंट इनका बिल्कुल क्लियर है। अगर हम चंद्र माउंट की बात करने पहले तो चंद्र माउंट के ऊपर कोई भी नेगेटिव चिन्ह नहीं है। आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर इनका जो मून माउंट का एरिया है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, इस माउंट के ऊपर बहुत ज्यादा रेखाएं नहीं है, कुछ रेखाएं यहाँ पर लाइफ लाइन से निकलकर और भाग्य रेखा के साथ जुड़ती हुई, ऐसी रेखाएं लंबी दूरी की यात्रा को शो करती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बहुत सारी ऐसी आड़ी रेखाएं हो जाएं तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाती है। यहाँ पर एंग्जाइटी थोड़ी बहुत माइनर रहेगी, वो भी माइंड लाइन के झुकने की वजह से, अदरवाइज स्टेबिलिटी माइंड की रहेगी वो चंद्र माउंट के अच्छे होने की वजह से। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, लाइफ की लाइन को अगर हम देखते हैं तो आप देखोगे कि यह लाइन कुछ इस तरह से चलते हुए और बिल्कुल अंत में आकर एक ब्रांच यहां से इस तरह से निकल रही है, और उसके साथ साथ यह जो रेखा है अंत में आकर एक फिश जैसा चिन्ह यहां पर आपको बनाती हुई नजर आएगी कुछ इस तरह से। इस तरह के चिन्ह बनते हैं जब भी, तो यह चिन्ह दर्शाते हैं इनहेरिटेड वेल्थ मिलने के चांसेस को, अचानक धन लाभ लाइफ में होते हैं ऐसे व्यक्ति के जिनके इस तरह का चिन्ह केतु माउंट के ऊपर बनता हो, इंश्योरेंस का पैसा मिल सकता है, अचानक धन लाभ और विदेश यात्रा के चांसेस रहते हैं। उसके साथ साथ जब भी लाइफ की लाइन खुद ब खुद बाहर की तरफ निकले, यह आप देख सकते हो कि ब्रांच लाइफ लाइन की बिल्कुल चंद्र माउंट की तरफ पहुंच रही है और खुद ब खुद लाइफ की लाइन, तो ऐसे व्यक्ति अपनी बर्थ प्लेस या नेटिव प्लेस से दूर जाकर बस सकते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं लाइफ में करते हैं और परमानेंट सेटलमेंट होने के चांसेस किसी और कंट्री में भी रहते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो यह रेखा लंबी है, 80 के आसपास की एज को इंडिकेट कर रही है, कोई मेजर इशू यहां पर नजर नहीं आ रहा, और साथ साथ एक रेखा और चल रही है जिसको मंगल रेखा कहते हैं, जिसकी वजह से लाइफ में अच्छी प्रॉपर्टी बनने की संभावनाएं भी रहती हैं। अब बात करते हैं इनके शुक्र माउंट यानी कि वीनस माउंट की, यह वीनस माउंट का एरिया है काफी उभरा हुआ, और लेकिन कुछ बहुत ही बारीक ऐसी रेखाएं आपको यहाँ पर नजर आएंगी, ऐसी रेखाएं अगर काफी सारी मौजूद हो तो थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में हो सकती है, लेकिन कोई मेजर इशू यहाँ पर इनके वीनस माउंट के जरिए नजर नहीं आ रहा। हर तरह की सुख सुविधाएं इनको मिलेंगी क्योंकि यह माउंट उठा हुआ है, प्रोमिनेंट है, इस वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं ऐसे व्यक्ति को लाइफ में जरूर मिल जाती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।